I've fallen in love with I Love. I love. Él vole, wow. भाग लेने से रोकने का हर प्रयत्न असफल हो चुका था। उसकी इस दलील को रद्द किया भी नहीं जा सकता था कि यदि उसके होते हुए उसके वंश को कोई क्षति पहुंची तो वो स्वयं को कभी क्षमा न कर सकेगा। इसलिए अब तो श्री कृष्ण को अपना मौन तोड़ना ही पड़ा। अंतिम निर्णय की घड़ी आन पहुंची थी। श्री कृष्ण को इस प्रश्न का उत्तर देना ही था जो बर्बरीक के रूप में पांडव परिवार के जीवन में हलचल मचाए हुए था, क्योंकि वही तो अंतिम निर्णायक थे। ये तो उनकी महानता थी कि वो अंतिम निर्णायक होते हुए भी ये विश्वास कर लेना चाहते थे कि उनके निर्णय में सबकी सहमति शामिल हो। मुझे उनके उत्तर का ज्ञान था। मैं ये भी जानता था कि उनका निर्णय क्या होगा, परंतु सबकी तरह मैं भी उसे स्वयं श्री कृष्ण के श्रीमुख से सुनना चाहता था। उनका निर्णय सुनकर संसार की सांस रुक गई। फिर मैं जानता था कि बर्बरीक की शक्ति में छिपे हुए विनाश को रोकने का
इसके अतिरिक्त कोई और उपाय था ही नहीं। श्री कृष्ण ने गुरु दक्षिणा में बर्बरीक से उसका सर मांग लिया। आप जो भी कहेंगे मैं सर झुकाकर मान लूंगा। आप दादाश्री होने के अतिरिक्त मेरे मार्गदर्शक भी हैं और शास्त्रों के अनुसार मार्गदर्शक ही पहला गुरु होता है। फिर तो तुम्हें गुरु दक्षिणा देनी होगी वत्स। कहिए तो अपने प्राण निकाल कर आपके चरणों में रख दूं। मैं वचन देता हूं गुरु दक्षिणा में आप जो भी मांगेंगे मैं आपको दूंगा। नहीं बर्बरिक, नहीं, वचन नहीं देना पोत्र, वचन नहीं देना। वो तो मैं दे भी चुका हूं दादाश्री। तुम इस वचन का अर्थ नहीं जानते हो पोत्र। दादाश्री, वचन का अर्थ बस एक ही होता है, जो एक बार दे दिया उसे निभाना ही धर्म है। जिस तरह धनुष से निकला हुआ वाण, मुख से निकला हुआ शब्द वापस नहीं लिया जा सकता, उसी तरह वचन देकर वापस नहीं लिया जा सकता। दादाश्री, मैं आपकी गुरुदक्षिणा देने के लिए व्याकुल हूं। हमें नहीं केशव, नहीं नहीं। कहिए दादाश्री, आप कुछ कहने जा रहे थे, आप चुप क्यों हो गए? वत्स, और तुम्हारा सर चाहिए। लो पौत्र। अपने धर्म का पालन करो। बर्बरीक नहीं, महात्मा बर्बरीक कहलाओगे। तुमने अपना सर देकर अपने वंश का मस्तक ऊंचा कर दिया। मछली भैया, इन्हें कुरुक्षेत्र के समीप किसी ऊंची पहाड़ी पर रखने की व्यवस्था की जाए।
बधाई हो भ्राता श्री, बधाई हो। किस बात की बधाई दे रहे हो अनुज? वो जिसकी शक्ति से हमें भयभीत करने का प्रयत्न किया जा रहा था, जिसकी वीरता के विधान में लोग धरती और आकाश एक किए दे रहे थे। भ्राता श्री, वो कांटा हमारे रास्ते से निकल गया। किसकी बात कर रहे हो अनुज? भ्राता श्री, मैं मोरवी पुत्र बर्बरीक की बात कर रहा हूं। क्यों, क्या हुआ उसे? उसका वध हो गया। स्वयं वासुदेव ने उसका सर काट दिया। क्या, किंतु क्यों? उसने अपने गुरु विजय सिद्ध सेन को वचन दिया था कि वो अपनी सिद्धियों का उपयोग केवल शक्तिशाली पक्ष के विरुद्ध करेगा। मैं समझा नहीं अनुज। भ्रतश्री, बर्बरीक ने अपने गुरु को वचन दिया था कि वो उसी पक्ष की ओर से युद्ध करेगा जो युद्ध में दुर्बल पड़ने लगेगा, किंतु पांडवों को यह भय था कि यदि हम कुरु सेना युद्ध में दुर्बल पड़ने लगे तो बर्बरीक हमसे आ मिलेगा। इसलिए वासुदेव ने पांडवों का भय दूर करने के लिए बर्बरीक का सर काट दिया। क्या, पांडवों का भय दूर करने के लिए बर्बरीक का सर? अनुज, क्या ये पांडव मूर्खों के स्वर्ग में रहते हैं? और लगता है वासुदेव ने भी अपना निवास स्थान वहीं बना लिया है। हम और दुर्बल पड़ेंगे। देखा मित्र, अपनी व्यर्थ कल्पना के कारण उन्होंने अपने एक वंश के बालक का वध करवा दिया। देखा मित्र, तुमने तो मुझे बर्बरी का वध करने से रोक दिया था, अब क्या कहते हो? मित्र दुर्योधन, जो हो गया सो हो गया, पर मैंने जो किया ठीक किया था। मैं तब भी और आज भी यही सोचता हूं कि पूजा में मग्न एक निहत्ते व्यक्ति पर आक्रमण करना एक नीच का कार्य है, और मुझे गर्व है कि मैंने अपने आदर्श मित्र को ऐसी नीचता से बचा लिया। कदाचित तुम ठीक कहते हो मित्र। चलो, अच्छा ही हुआ मेरे हाथ एक बालक के रक्त से लाल होने से बच गए। मेरा कार्य स्वयं वासुदेव ने पूर्ण कर दिया। मेरा पुत्र, मेरा बर्बरीक, मेरा वीर बर्बरीक, ये क्या हो गया पुत्र? हत्यारे, अन्यायी, कृष्ण, मेरे पुत्र ने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने उसका वध कर दिया? मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। नहीं पुत्रवधू, रुक जाइए, आप लोग ठहर जाइए। ये पुत्र के वध पर एक माता के क्रोध की आंधी है, इसे कवच और ढाल पर नहीं रोका जा सकता। कुलवधू, हमने तुम्हारे पुत्र का वध नहीं किया। झूठ बोलते हो तुम। तुमने नहीं मारा तो किसने मारा? किसने मेरे लाल का सिर उसके धड़ से अलग किया? हमने तुम्हारे पुत्र से शीश दान मांगा था, उसने सहर्ष अपना सिर हमें दे दिया। यदि तुम्हें विश्वास ना हो तो अपने पुत्र से ही पूछ लो। ये सत्य है माता श्री, मैंने अपने हाथों से अपना सर काटकर दादाश्री को भेंट किया था। इसमें अवश्य इसकी कोई चाल होगी। मैं जानती हूँ ये बहुत बड़ा छलिया है, इसने अपने छल से ही तेरी हत्या की होगी पुत्र। परंतु मैं मरा कब हूँ माता श्री? मैं तो जीवित हूँ, भला मर जाने वाले भी कहीं बात किया करते हैं? हाँ, अगर दादाश्री चाहते तो गुरु दक्षिणा में मेरे प्राण भी मांग सकते थे, परंतु इन्होंने ऐसा नहीं किया। परंतु ये सब क्या है? तेरा सर तेरे धड़ से अलग क्यों है? ये तो मैंने गुरु दक्षिणा दी है माता श्री, और आपको तो अपने आप पे गर्व होना चाहिए कि आपने एक ऐसे पुत्र को जन्म दिया है जो श्री कृष्ण जैसे गुरु को गुरु दक्षिणा देने योग्य था। परंतु ऐसे निष्ठुर और कठोर गुरु दक्षिणा लेने की कृष्ण को आवश्यकता ही क्या थी? माता श्री, दादा श्री वासुदेव ने तो आप सबके मांग के सिंदूर की रक्षा की है। कुलवधू मोरवी, तुम महान हो,
कि तुमने अपनी कोख से ऐसे महावीर पुत्र को जन्म दिया। तुम्हारे पुत्र का त्याग अधर्म और अन्याय के विरुद्ध संग्राम में बलिदान और महावीरता का ऐसा उदाहरण बनकर जीवित रहेगा जो कभी दोहराया ना जा सकेगा। आने वाला युग तुम्हारे पुत्र महात्मा बर्बरीक की पूजा करेगा। मुझे क्षमा कर दीजिए वासुदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए महापुरुषों, आवेश में आकर ना जाने मैंने क्या क्या कह दिया। तुम्हें क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है मोरवी, हम सब तो तुम्हारे और तुम्हारे पुत्र के आभारी हैं कि उसने ये युद्ध न करके अपने वंश राज्य धर्म नीति और सत्य की रक्षा की है। क्षमा तो हम स्वयं और ये सब तुमसे मांगते हैं कि हमें ऐसा कार्य करने और इन सबको हमें ऐसा कार्य करने की अनुमति देने पर विवश होना पड़ा। प्रणाम दादीश्री। बर्बरीक, मेरा पुत्र, केशव ऐसा क्यों किया तुमने? तुम तो दयालु हो, दाता हो, तुमने मेरे पुत्र का जीवन ले लिया, ऐसा क्यों किया तुमने? यदि ऐसा करना ही था तो मौरवी और घटोत्कच का विवाह ही क्यों करवाया था? बर्बरीक को इस संसार में भेजा ही क्यों था? भेजा ही क्यों था? मनस्वी भव, तपस्वी भव। प्रणाम महर्षि। यशस्वी भव। अखंड सुभागवती भव। तुम्हें याद है कुलवधु हिडिंबा, तुमने एक बार बर्बरीक की युवावस्था के विषय में हमसे जानना चाहा था और हम चुप हो गए थे। हाँ, मुझे याद है। हम इसी कारण चुप हो गए थे, हम जानते थे इसके भाग में केशव के द्वारा बलिदान हो जाना लिखा था। भाग के इस निर्णय को स्वयं श्री कृष्ण नहीं बदल सकते थे। और तुम्हें यह भी याद होगा, हमने कहा था इसकी युवावस्था में कोई ऐसी घटना अवश्य घटेगी जिसके कारण समस्त संसार इसे पूजेगा। देखो, कृष्ण ने यही वरदान इसे दिया है। अब तुम्हारा पौत्र पूजनीय हो चुका है देवी, तुम धन्य हो देवी। अमर सदा को हो गया बर्बरीक का त्याग, ध्वंस वंश का रुक गया धन्य वंश का भाग, धन्य वंश का भाग। मैं समय हूं। अंततः श्री कृष्ण ने अपना मौन तोड़ ही दिया और इस मौन के टूटते ही बर्बरीक की असीम शक्ति का भयानक और विनाशकारी रूप अपनी पूरी भयानकता के साथ उसके सामने प्रकट हो गया। इस रूप की ताब लाना स्वयं बर्बरीक के बस की बात नहीं थी।
मैं जानता था कि बर्बरीक की शक्ति की असीमता जान लेने के बाद श्री कृष्ण के सामने दो ही मार्ग थे, या तो वो बर्बरीक को इस असीम शक्ति का प्रयोग करने की अनुमति देकर एक महाविनाश को बुलावा दे सकते थे, या फिर शक्ति को त्याग की सीमा रेखा में बांधकर इसे निष्क्रिय बना सकते थे। उन्होंने दूसरा मार्ग चुना। बर्बरीक के सामने भी दो ही रास्ते थे, या तो वो अपनी शक्ति का प्रयोग करके सृष्टि के विनाश का कारण बन जाता, या फिर अपनी शक्ति पर बलिदान का अंकुश लगाकर महात्मा बन जाता। उसने भी दूसरा ही रास्ता चुना। ये केवल मैं जानता हूं कि जो दृश्य आज देखा गया भविष्य में बार बार देखा जाएगा। बर्बरीक की भांति मानव समाज को भी जब जब ये ज्ञान होगा कि शक्ति केवल एक सीमा तक वरदान होती है, फिर अपने ही विनाश का कारण बन जाती है, तब उसे अपने हाथों से अपनी शक्ति को नष्ट करना होगा। ये कार्य केवल व्यक्तियों को नहीं राष्ट्रों को भी करना पड़ेगा। इस प्रकार बर्बरीक की कहानी अपने चरम बिंदु तक पहुंच गई, किंतु इसी के साथ संसार का सबसे महान युद्ध महाभारत आरंभ हो गया। श्री कृष्ण ने अपना कहा पूरा किया और बर्बरीक का सर धड़ से अलग होने के बाद भी इस महान युद्ध की एक एक घटना का साक्षी बना हुआ था। सेनापतिया राजकुमार कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ रहे लेकर सेना बांध कतार। कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ रहे लेकर सेना बांध कतार। ये महायुद्ध है, ये धर्म युद्ध है, ये महायुद्ध है। सब जाते सम्रांगण की ओर, जाते सम्रांगण की ओर। दिशा दिशा में गगन भेद के उनके युद्ध वाद्य घन घोर, उनके युद्ध वाद्य घन घोर। रथ घोड़े हाथी पैदल सब बढ़े आ रहे करते घोष। रथी सारथी महारथी अति रथी न रुकता जोश। घर घर घूम घूम घर घर कर तरह तरह के बढ़ते यान। सर सर सन सन सनन सनन कर धूल गगन का छुए विदान। ये महायुद्ध है, ये धर्म युद्ध है, ये महायुद्ध है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हां पार्थ, मैं प्रकट होता हूं, मैं आता हूं,
जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब मैं आता हूं। सज्जन लोगों की रक्षा के लिए मैं आता हूं, दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं आता हूं, धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूं और युग युग में जन्म लेता हूं। पहिया भूमि में धस गया है, मैं उसे निकालने के लिए उतर रहा हूं, इसलिए अपने वालों को रोक लो। हाथ है ना दुष्ट जिससे तुमने पंचाली के केश पकड़े थे।
तेरी छाती का लहू पीऊंगा दुशासन। युद्ध समाप्त हो गया और हमारी पराजय हो गई। ये सब कैसे हो गया संजय? ये सब कैसे हो गया? पुत्र दुर्योधन तो कहता था कि उसे कोई भी परास्त नहीं कर सकता, कोई भी पराजित नहीं कर सकता। क्या नहीं था उसके पास? सेना, साहस, साधन, क्या नहीं था उसके पास? पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, पराक्रमी कर्ण, गुरु कृपाचार्य, गुरुपुत्र अश्वत्थामा, ये सब थे उसके साथ, कौन नहीं था? वो तो कहता था कि संसार के महानतम शूरवीर और योद्धा उसके साथ है, तो उसकी पराजय हो ही नहीं सकती। फिर भी ये क्या हो गया संजय, ये क्या हो गया? मैं बताऊं आर्य पुत्र, पुत्र दुर्योधन के पास सब कुछ था किंतु धर्म नहीं था उसके पास। हर कोई उसके साथ था किंतु वासुदेव नहीं थे उसके साथ। किंतु वासुदेव की इतनी बड़ी सेना तो उसके साथ थी। सेना अपने नायक के बिना केवल एक भीड़ होती है महाराज, एक अनियंत्रित समूह। और जब नायक ही दूसरी ओर हो तो सेना की संख्या कुछ काम नहीं आती। सेना को आगे बढ़ने का बल और लड़ने का उत्साह तो नायक ही से मिलता है। वो बल और वो उत्साह तो सेना से दूर दूसरे पक्ष में अपना चमत्कार दिखला रहा था महाराज। मैंने तो युद्ध के प्रारंभ होने से पहले ही युद्ध के परिणाम को जान लिया था आर्यपुत्र, किंतु आप ही पराजय के पैरों की चाप को सुन नहीं पाए थे। गर्व और अहंकार के शोर ने पराजय के पैरों की चाप को आपके कानों तक पहुंचने नहीं दिया आर्यपुत्र, पहुंचने नहीं दिया। परंतु मेरा पुत्र कहां है और किस दशा में है?
सुना नहीं तुमने संजय? मेरा पुत्र कैसा है? मेरा दुर्योधन कैसा है? संजय, इतने इतने निर्दयी मत बनो संजय, इतने निष्ठुर मत बनो। बोलो, मुझे बताओ, इन 18 दिनों में जब जब भी तुम चुप हुए हो, मेरे हृदय की गति उतनी ही बार रुकी है संजय। और जब भी तुमने अपना मौन तोड़ा है तो कोई निर्मम निर्शस समाचार मेरे मन को भेदता हुआ निकल गया। भगवान के लिए मुझे बताओ, और अब ये तुम्हारा मौन मेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े किए दे रहा है। मुझे बताओ संजय, मेरा पुत्र दुर्योधन जीवित तो है? वो मरा तो नहीं है? वो मरा तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, नहीं महाराज, वो मरे नहीं है, किंतु जिस दशा में है, यदि उसे जीवन कहा जा सकता है तो जीवित है, अवश्य जीवित है। क्या क्या बहुत घायल हो गया हमारा पुत्र? घायल तो बहुत ही साधारण शब्द है महाराज, वो तो घाव और मृत्यु के बीच किसी स्थान पर पड़े तड़प रहे हैं। घाव उन्हें मृत्यु की ओर धकेलते हैं और मृत्यु फिर उन्हें धक्का दे देती है घाव की ओर। प्राण शरीर का पिंजर तोड़कर बाहर निकलने को व्याकुल हैं, किंतु पिंजर इतना शक्तिशाली है कि प्राणों को निकलने ही नहीं देता। हे भगवान, हे भगवान, हे ईश्वर, ये मैं क्या सुन रहा हूं? महाराज, कदाचित उनके प्राण केवल आपके दर्शनों के लिए अटके हुए हैं। नहीं, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा उसके पास संजय, मैं नहीं जा सकता इस दशा में उसके पास। उसकी कराहों की पीड़ा मैं नहीं सुन सकूंगा संजय, मैं नहीं सुन सकूंगा। उसे इस दशा तक पहुंचाया किसने आर्यपुत्र? आपने। उसकी कर में डूबी हुई अनुभूति को यदि आपने चुपचाप सहन न कर लिया होता तो उसकी पीड़ा में डूबी ही कराहों का भय न सताता आपको। क्यों नहीं जाएंगे हम उसके पास, बोलिए, क्यों नहीं जाएंगे हम उसके पास? नहीं गांधारी, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा उसके पास। दर्द सहन करने की भी एक सीमा होती है, मैं सीमा के पार नहीं जा पाऊंगा। यदि आपने पुत्र मोह की सीमा निर्धारित कर ली होती आर्य पुत्र, तो पुत्र शोक की सीमा निर्धारित करने की स्थिति ही ना आती। मैं अपने पुत्र को पीड़ा में अकेले तैरने के लिए कदापि नहीं छोड़ूंगी। मैं मां हूं, अभागन हूं तो क्या हुआ? संजय, मुझे ले चलो अपने दुर्योधन के पास, ले चलो मुझे। जो आगे महारानी। गांधारी, मैं भी चलता हूं, मैं भी चलूं। यदि जीवन को हमारी सहन शक्ति की कोई अंतिम परीक्षा भी लेनी है तो वो भी ले ले। चलो संजय, हमें पुत्र दुर्योधन के पास ले चलो।
रुक क्यों गए संजय? महाराज, मेरे धैर्य और साहस की सीमा यहीं समाप्त होती है। जहां धर्म या कृष्ण हो वहीं विजय का वास, हो अधर्म जिस पक्ष में रहे वहां बस नाश। पुत्र मोह कारण बना, पुत्र शोक परिणाम, मरण सेज पर ले रहा है जीवन विश्राम।